हाँ भाई उमर साहब। हाँ, खैरियत से हैं साहिल भाई? हेलो। हाँ मैं अच्छा हूँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हूँ, जी रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उमर साहब आज का टॉपिक देखा आपने? नहीं, वो टॉपिक देख के आया हूँ। असल में यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा था अभी, तो आपका चैनल हाँ देखा, तो देखा कि इंसानों को अल्लाह ताला ने बंदर बनाया और खुदा की बोंगिया वगैरह वगैरह, इसी टाइटल को देख के मैं अंदर आया, वरना ओके। खुसूसान आज बात करने का इरादा नहीं था। बहुत अच्छा टाइटल दिखा इसीलिए आया। अरे वाह, बहुत जबरदस्त हो गया। तो आप भी इन बोंगियों को मारते हैं, इंसान बंदर बन जाते हैं, अल्लाह बना देता है तो? मैं इस बात को तो मानता हूँ, कुरान पाक में जो जिक्र किया गया है ना कि उन यहूदियों को बंदर बना दिया गया था, मेरा उस पर ईमान हाँ है साहिल भाई। नहीं, अच्छा मतलब इसको साबित कर सकते हो आप? मैं क्या करूं साबित? मैं खुद आप किसी इंसान को बंदर बना दूं क्या, जादू से या हाँ वही, अल्लाह को किसी और बोले चीज से? सबके सामने जरा बंदर बना के दिखाए, जरा कौन है नहीं, वो अल्लाह के साहिल बड़े बड़े प्रेम भाई, करता है। रुक जा यार। हेलो जी भाई साहिल जी, ऐसे कम जरा मेरे बाजू वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं जरा थोड़ा अलग के ला रहा हूँ। हेलो, हाँ जी आवाज जी आ रही है साहिल? आ रही है प्यारे भाई। हाँ साहिल भाई, अल्लाह ताला हाँ की जो हैसियत है ना, वो खुदा की है, और हाँ अल्लाह ताला अपने मखलूक के साथ जैसा चाहे वैसा सुलूक कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल ये समझ रहे कि एक इंसान है, उसके कब्जे कुदरत में एक आटा है, आटे क्या का है? उसने कोई चीज बनाई, आटा 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 आटा, जो हाँ औरतें आटा पकाती है, रोटी बनती है, वो रोटी हाँ है उसके हाथ में। अब जो रोटी ओके बना रहा है, बस अगर वो रोटी का कभी इंसान की शक्ल में कोई मूरत बना दे, या बंदर की शक्ल में उसके दिल में आया तो कोई मूरत बना दे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह अल्लाह ने इंसानों को बनाया, और इंसानों को बनाने के बाद इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानना चाहिए, उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए। तो कुछ घटिया इंसान होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी से निकल जाते हैं बाहर, और उनकी नाफरमानी जानवरों की तरह हो जाती है। तो उस वक्त के ओके यहूदियों ईसाइयों की शक्लें भी जानवरों को बना दिया गया। साहिल भाई, हाँ, तो ये कैसे साबित करेंगे कि इंसान जानवर में कन्वर्ट हुए थे? कैसे साबित होगा? नहीं साहिल भाई, इसी इसी तो इसी का मजा बताने के लिए तो मैं आया हूँ खास। ये जो टॉपिक हाँ है ना, बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा है देखो कि बात। आप जी, सुनिए ना, आप देखो, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि खुदा ने बतौर सजा उनकी नाफरमानी की वजह से उनको इंसान से बंदर बना दिया। हाँ मेरा एक दो सवाल है, क्या आपको ये बात समझ में आती है साइंस की, कि इंसान बंदर से बन के इंसान इंसान बना है? कौन ये सी आपको ये साइंस बात है जो समझ में बोला आती कि है? एक सेकंड बंदर एक से बन के सेकंड, इंसान बना है? साहिल भाई साहिल भाई, साइंस ने ये बात को कब माना था, कब किसी और दूसरे साइंसदान ने इस बात को रद्द किया, इसकी बात अलग है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बस एक चीज ये। दूसरी हाँ चीज ये, आपको ये बात बोगी बोगी नहीं लगती कि एक इंसान का सर कटा, उसके ऊपर फिर एक जानवर का, हाथी का सर आया? आपको ये बात बोगी नहीं लगती कि नहीं, किसी शख्स की सेना में अच्छा बंदर काम कर आपको, रहे थे? अच्छा एक मिनट, उमर साहब, आपको ये बोंगी लगती है कि एक इंसान का सर कटा, उस पे किसी जानवर का सर जो है लगा दिया गया, ये आपको बोंगी लगती है या ये सेंस बनाती है आपके लिए? तो नहीं, मैं इसको बोंगी नहीं कहता। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े ये प्रोफेसरों ने इस प्यारे तरह रद्द किया है उमर कि बोंगी है बहुत बड़ी। उमर 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 मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी मेरी और आपकी बात चालू है, ठीक है? मैं हाँ आपसे ये फरमाए पूछ फरमाए रहा फरमाए। हूं कि किसी इंसान का सर कट गया या काट दिया गया, उस पे किसी जानवर का सर लगा दिया गया उस धड़ पे, आपके नजदीक ये लॉजिकल है या बोंगी है? बोंगी है, एक नंबर की बोंगी है। ओके, अगर वो जिस बोंगी बोंगी है, को यार कौम के एक मिनट अपराधी कुछ एक भी नहीं मानते। रुक भाई रुक जा रुक जा, अगर वो तुझे बोंगी लग रही है तो ये जो तुम्हारा बोंगा है, उसने जो ये बोंगी मारी है कि उसने इंसानों को बंदर बना दिया, यानी इंसान बंदर में कन्वर्ट हो गए, ये तुझे बोंगी क्यों नहीं लग रही है? ये तुझे इलॉजिकल क्यों नहीं लग रहा? अगर तुझे वो इलॉजिकल लग रहा है तो अच्छा वहां तो अच्छा। और एक चीज भाइयों,
ये कितने बड़े ये लोग हिपोक्रेटेस की मैं अभी आपको मिसाल देता हूं, यानी ये खुद मिसाल देगा। अच्छा यहाँ पे ये जो भी एग्जांपल दे रहा है वहां पे एटलीस्ट धड़ के ऊपर जो है पूरा सर लगाया गया, ठीक है। इनका अल्लाह मुर्दे को कैसा जिंदा करता है ये देखो, मैं बताता हूँ आपके सामने कुरान की आयत पेश करता हूँ। साहिल टॉपिक चेंज हो रहा है, तूने अभी आपने क्या कहा? नहीं उमर, आप क्या करेंगे? आप मुर्दे को जिंदा करता है बताएंगे, फला काम करता है बताएंगे। अभी आप ये बात कर रही थी ना उमर, तू कौन है? तेरी तेरी तो शक्ल भी नजर नहीं आ रही। हाँ रुक जा ना दो मिनट, तुम्हारी भी शक्ल नजर नहीं आ रही है उमर, रुक जा जी। अब पढ़ता जा, शर्माता जा, क्योंकि तूने कहा कि तुझे वो बोंगी नजर आ रही, तो वहां तो कम से कम सर है किसी का, धड़ है पूरा, उसको लगाया गया। तुम्हारा बोंगा जो है वो किस तरीके की बोंगी मारता है देखो, ये आपके सामने एक तो मैं बता दिया, बंदर से इंसान से बंदर बना दिया। अब यहाँ पे देखिए ये आयत क्या कहती है, ये आयत भी है सूरह बकरा की। एडम साहब ने इसको ऑलरेडी अपनी स्ट्रीम में एक पूरा स्ट्रीम कवर किया है। ये देखिए, इस वक्त हमने हुक्म दिया कि मक्तूल की लाश को इसके हिस्से से जरब लगाओ। देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। ये गाय के गोश्त का टुकड़े से अल्लाह जो है मुर्दे को जिंदगियां बख्शता है, ये आप कैसे हजम कर लेते हो प्यारे भाई? उमर साहब, अगर वो आपको बोंगी लग रही है तो ये बोंगी क्यों नहीं है? गोश्त का टुकड़ा मार के जिंदा हो जा रहा। हेलो साहिल भाई जी, आपके सवाल का जवाब तो इसी आयत के अंदर ही है ना, और उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मक्तूल की लाश को एक हिस्से से जरब लगाओ। हाँ, देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है, ठीक है, और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। तुम ये सवाल मुझसे कर रहे हो यार, अगर तुम आयत पूरी तरह पढ़ लेते तो तुम्हें खुद समझ में आ जाता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी निशान इस वजह से दिखा रहे हैं ताकि तुम खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानो। साहिल दूसरी बात, लेकिन तेरे को वो बोंगी लग रही है तो ये क्यों नहीं बोंगी लग रही है इस तरीके की, गोश मार के मुर्दा जो है जिंदा हो जा रहा और कह रहा है कि इसी तरीके से अल्लाह मुर्दे को जिंदा करता है। अगर वो तेरे लिए बोंगी है तो ये बोंगे की बोंगी तेरे को बोंगी क्यों नहीं लग रही है? इतने बड़े हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो तुम लोग? क्योंकि ये भी इलॉजिकल चीज नजर आ रही है। गोश्त के टुकड़े से आप किसी इंसान को जरा जिंदा करके दिखाओ जरा, या तुम्हारे अल्लाह को बोलो किसी को गोश्त का टुकड़ा मार के जिंदा करके दिखाए। How can you be so hypocrite? साहिल बोलोगा क्या मतलब है? हेलो, बोलोगा क्या मतलब है तुम्हारी स्ट्रीम में? तौरात को भी मैं बता रहा हूँ ना, मेरी पूरी बात तो सुन लो। साहिल तुम्हारी बोंगी बोंगी हमारी बोंगी मिराकल। नहीं साहिल साहिल बड़ा बोंगे नहीं तो बोंगी मारी है। रुक तो सही बे, दे रहा हूँ ना तुझे मौका, जब से दे रहा हूँ ना। अच्छा इससे वो जो दूसरा इसने किस्सा बयान किया वो कहता है इलॉजिकल है, वो कहता है बोंगी है। इनके बोंगे ने जो बोंगी मारी वो इसको बोंगी नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है? एडम साहब आप एक बार पूछ के देखिए। सर वो तुम्हारी बोंगी बोंगी हमारी बोंगी मिराकल समझते नहीं बात? आप देखे ना, वो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, तो ये वही चीज है ना, तुम्हारी बोंगी बोंगी हमारी बोंगी मिराकल फुल स्टॉप। अच्छा साहिल साहब इनसे ये तो मिराकल है ना, इनसे पूछे ये इनसे पूछे कि ये अल्लाह ने सजा किस चीज की दी थी? हाँ ये आप पूछिए अभी, मैं मेरे हिसाब का तो डिस्कशन कर लिया हूँ। आप अभी उमर भाई ये बताए, सजा तो मैंने मान ली कि अल्लाह ने बना दिया इनको बांदर, सजा किस? एडम भाई वैसे तो आपने मुझे भाई बोलने से मना किया है तो एडम ही बोलूंगा मैं। साहिल मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुरान की ये चीज को तुम बोंगी बोल रहे हो ना,
नहीं बोंगी, नहीं मैं नहीं बोंगी, मैं नहीं तो बोंगी इधर की भी, इधर की भी चीज भाई बस। भाई और मैं एडम नहीं बोलूंगी, एडम मैं नहीं बोल तू रहा। तू बोलेगा भी नहीं, तू मुझे बोलेगा भी नहीं, क्योंकि तुझे मुझे पता है कि बताइए पर इंजीनियर में ये सब मिल जाएगा। उमर उमर हेलो हेलो उमर उमर सुन मेरी बात सुन, मैं तुझको डिस्कशन करने से नहीं नहीं तू बात सुन ले भाई, पहले सुन ले। देखो अच्छे से मालूम है एडम साहब का तरीका, मैं तुझे बस ये आगाह कर रहा हूँ, तंबी कर रहा हूँ, इज्जत दो, इज्जत लो और रेफरेंस से बात करना, ठीक है? अगर तुमने गुस्ताखी की एडम साहब की, फिर मैं एडम को रोकूंगा नहीं, स्पेशली पहले ही बता रहा हूं, तुम्हारी आदत मेरे को मालूम है, ठीक है? सो बी हम्बल, बी सॉफ्ट एंड हैव अ डिस्कशन। आपको यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, उसका फायदा उठाओ, लोगों की आंखें खोलो कि हम अगर गलत बता रहे हैं तो लोगों की आंखें खोलने का आपको मौका मिल रहा है। सो बी हम्बल, ठीक है उमर साहब? ठीक है ठीक है, थैंक्स फॉर दिस फायर भाई, चलो चलो करेंगे, चलो प्लीज कंटिन्यू द डिस्कशन। सवाल मेरा सिंपल सा सवाल है, किस बात की सजा दी है अल्लाह ने? भाई आप क्रिश्चियन हो ना, आपको इस बारे में और ज्यादा पता होगा कि तौरात और इंजील वालों के साथ क्या सुलूक हुआ, क्यों सुलूक हुआ, नहीं लिखा वहां पे कहीं लिखा हुआ? मैं अल्लाह ने ये जो अल्लाह ताला ने किसे बयान फरमाए हैं यहूदियों के बनी इसराइल के, ये तो उनको ईमान की तरफ लाने के लिए थे कि एक नबी जो इससे पहले तुम्हारे अंबिया का सिलसिला है तुम्हारे कौमों के अंदर चल के आ रहा है। भाई किस बात की सजा है, किस बात की सजा है? जहां तक मेरा मोटा इल्म है वो इस बात की सजा है, इन लोगों को हफ्ते के दिन शिकार से मना किया गया था वगैरह, और इन लोगों ने अल्लाह के एक सेकंड भाई मैं क्या कह रहा हूँ जी जी सर, मैं आज आपने कहा है मैंने मान लिया, लेकिन कहाँ कहा है वो दिखा दें। अच्छा अच्छा ठीक है, आप ये कह दो कि किसी और जुर्म में मना किया गया था, हो सकता हो मेरा, मैं भी मुताला नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मुझे नहीं मिला कुरान में कहीं पे ये बात, आपको मिलती है दिखा दें। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, मैंने आप कह दो ना मुझे, नहीं नहीं एक 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 सेकंड, आप मुझको कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं फिर लाके दिखा दूंगा। जी सर आप हर मरतबा का यही होता है। हाँ तो किस जुर्म में दी गई थी सजा पता ही नहीं, कुरान ने नहीं बताया। अच्छा मतलब तफसीर सब खामोश है इससे, और आप तफसीर में जाते हैं, तफसीर को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, कैसे नहीं मानेंगे तफसीर, किस तफसीर, किस तफसीर को मानते हैं? बहुत सारी तफसीर है। किसको मानते हैं आप, इब्ने कसीर को मानते हैं? बहुत सारी मानते हैं, हाँ बिल्कुल मानते हैं, इब्ने कसीर और कुतुब भी। भाई मैंने एक ही बात पूछी है, आप किस तफसीर को मानते हैं? सब अल्लाह इब्ने तफसीर, तफसीरुल बयान, तफसीर तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्ने कसीर, इब्ने कबीर वगैरह वगैरह, जितने भी अरबी तफासिर आप लाएंगे सब मानते हैं। आपने मुझे ये कहा कि उनको हफ्ते वाले दिन को मछली का शिकार करने से मना किया गया था, राइट, और उन्होंने फिर भी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार किया, करेक्ट? मेरा गुमान ये है शायद इस वजह से बना दिया गया हो, कोई दूसरी वजह भी हो सकती है, मैं इसकी नफी नहीं कर रहा हूं। तो भाई अगर नफी नहीं कर रहे तो पहले साबित कर लेना कि आपका मुद्दा क्या है, फिर मैं आपको तफसीर दिखाता हूँ। मुद्दा ये है कि इन लोगों को जो बंदर बनाया गया ना, उनको सजा की वजह से बंदर बना दिया गया, और हो सकता है शायद वो बंदर खत्म भी हो। किस बात की सजा? खुदा के हुक्म को ना मानने की सजा। हाँ, खुदा के हुक्म को ना मानने की सजा। क्या हुक्म था? खुदा के कई सारे हुक्म थे, एक तो मैंने बता दिया ना, शायद वो हफ्ते के दिन मछली से खाने से रोक दिया गया, मछली के शिकार की थी। ओके चले ठीक है, मछली या कोई और सजा हो, लेकिन असल मुद्दा सजा से है कि इन लोगों को जो बंदर बना दिया गया ना, वो हो सकता है। खामोश, रिलैक्स, टेक अ चिल, चिल पिल, लेट्स सी कि वाकई उन्होंने हफ्ते वाले दिन शिकार किया था कि नहीं किया था, देखते हैं ना कि हफ्ते वाले दिन शिकार देखो देखो बिल्कुल देखो। ओके ले जी, यहाँ पे इब्ने कसीर क्या कहता है, हफ्ते के दिन की अजमत को इनके लिए शिकार खेलने वगैरह इनके लिए हराम किया, इधर अल्लाह की आजमाइश के शट अप प्लीज, इधर अल्लाह की आजमाइश ये बनी कि हफ्ते वाले दिन मछलियां ऊपर आ जाती थी और उछलती कूदती रहती थी, लेकिन बाकी दिनों में अल्लाह के हुक्म से कोई नजर ही नहीं आती थी, नीचे चली जाती थी। एक मुद्दत तक तो ये लोग खामोश रहे
और शिकार करने से रुके रहे, क्यों? वो बेचारों के पास है ही कुछ नहीं, शिकारी लोग हैं वो, नहीं किया उन्होंने, फिर भी हुक्म। फिर एक शख्स ने एक हीला निकाला कि हफ्ते वाले दिन मछली तो पकड़ नहीं सकते, लिहाजा फंदे को डोरी में डाल के किनारे में डाल दिया और बांध दिया, और इतवार वाले दिन निकाल लिया ताके पकाया, लोगों ने खुशबू को पा के देखा, लो जी इतवार को ही शिकार हुआ। तो उन्होंने फिर भी हफ्ते वाले दिन शिकार तो किया ही नहीं, उन्होंने एक अल्लाह ने गेम डाली उनके साथ और उन्होंने अल्लाह के साथ रिवर्स गेम डाल दी, शिकार फिर भी उन्होंने हफ्ते वाले दिन नहीं किया। जाल जो उन्होंने बिछाया वो जुमे वाले दिन बिछाया, जाल निकाला उन्होंने संडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन तो फिर भी शिकार नहीं किया, फिर अल्लाह ने सजा किस बात की थी? तो एडम भाई आप इस बात को अच्छी तरीके से नहीं समझे, मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझा देना चाहता हूँ। यही होता है जब कोई इनकार की नजर से कुरान पाक पढ़ता है ना, तो उसके आंखों पे उमान पर्दा पड़ जाता है। बात यह है ये कुरान पाक नहीं है, किस क्यों कह रहे हैं कुरान पाक है, ये तफसीर है, झूठ की बोल रहे मेरे साथ। तफसीर 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 को भी कहता हूँ यार, तफसीर को भी कोई इसी नजर से नहीं दिखाता हूँ तो आप जैसे डंगर। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, भाई मैंने जबान दराजी नहीं की, जबान दराजी नहीं की मैंने, आपने डंगर मुझको कह दिया, पहले आप मुझसे उसकी तलाशी करें। वापस बैक स्टेज पर दबरे, आपने खुद पिछली लाइव स्ट्रीम्स में आके बोला वह तफसीर अल्लाह का कलाम नहीं है और आप तफसीर को नहीं मानते, ये आपके मुंह के अल्फाज हैं, आप जिस तफसीर को जुटलाना चाहें जुटला देते हैं। आज आपने इस तफसीर को अल्लाह का कलाम कहा, जब मैंने आपको पकड़ा उस बात पे तो आप आगे से हीला बना रहे हैं, क्यों? क्या तफसीर अल्लाह का कलाम है? मैं अभी 15 मिनट से शायद जुड़ा हुआ हूं, अगर मैंने कहा हो कि तफसीर अल्लाह का कलाम है, तफसीर अल्लाह का कलाम है, तो आज इसी स्टेज पे साहिल के साथ जमा होके एक मुस्लिम बन जाऊंगा। अगर मैंने कहा हो कि तफसीर अल्लाह का कलाम नहीं है, बनेंगे, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने वैसा कहा ही नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की बात, ये तो मेरा पूरा खानदान नहीं बनेगा, मेरे दोस्तों में से कोई नहीं बनेगा, मैं जिसको देखता हूँ वो भी एक्स मुस्लिम नहीं बनेगा, ठीक है, मेरी बनने की बात तो दूर। तो ये तो ठीक हो गया ना, आपने साबित कर दिया कि आपने झूठ बोला था अभी। अभी जब मैंने पढ़ा तो आपने कहा जो अल्लाह के कलाम को गलत तरीके से पढ़ता है, मैंने आपको कहा था कलाम नहीं है तफसीर है। मैंने क्या कहा अल्लाह के कलाम को ही कहा, मैंने ये कहा कि अल्लाह के कलाम को ही पढ़ता। नहीं, इससे पहले तूने इस तफसीर वाली आयत को नहीं पढ़े होंगे? तफसीर वाली आयत में तो कहानी है ही नहीं कि अल्लाह ने किस चीज से रोका। तफसीर वाली आयत, ठीक है ना, तो आपने तफसीर के जरिए से आयत के अंदर गलत बयान की है ना। मैंने नहीं गलत बयान की, मैंने झूठ बोल रहे हैं उमर, अल्लाह के कलाम को तोड़। उमर आप दोबारा झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं तफसीर पे गया, आपने कहा तफसीर पे जाओ, विक्टिम कार्ड नहीं खेलो, आपने कहा तफसीर पे जाओ, मैं नहीं गया, आपने मांगी है तफसीर। नहीं नहीं बिल्कुल मैंने मांगी है, आपको समझाने के लिए मांगी है और मुझे फिलहाल हवाला मिल जाए इसलिए मांगी है, लेकिन तफसीर को मैं खुद अल्लाह के कलाम से पूछता हूं, ठीक है। अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं भाई, क्या उन्होंने हफ्ते वाले दिन शिकार किया तफसीर के मुताबिक? हाँ, ये हुई ना बात जिसको आप समझ नहीं पाए अच्छी तरीके से, यही मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने एक हीला ऐसा बनाया अल्लाह ने आजमाइश के डाली थी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं हफ्ते के दिन जो उनको मना किया गया था वो उनके लिए आजमाइश ही थी कि वो हफ्ते के दिन अल्लाह का हुक्म माने। दोबारा पढ़ो आजमाइश क्या थी? ऊंची पढ़ो, आजमाइश क्या है? कि अल्लाह की आजमाइश की बिना पर हफ्ते वाले दिन तमाम मछलियां ऊपर आ जाया करती थी, ऊपर आके उछलती कूदती, बाकी दिनों में नहीं, बाकी दिनों में कहां जाती नहीं, थी? बाकी दिनों में तो उनको मना नहीं किया गया था ना, तो इसलिए बाकी दिनों में मछलियां कहां जाती थी? बाकी दिनों में उनको मालूम था कि हमारा शिकार होगा, इसलिए ऊपर ऊपर आके उछलती कूदती नहीं थी, वो चली जाती थी। ओह माय गॉडनेस, ओह माय गॉडनेस, दोस्तों देखो समझो अब आडम के ये इतने बड़े दिमागी अपंग हैं कि मछलियां अल्लाह ने आजमाइश क्या डाली थी कि मछलियों को सैटरडे को दिन में उछल कूद करवाता था और बाकी दिनों में जमीन के अंदर डाल देता था पानी के अंदर। इनका स्टेटमेंट ये है कि मछलियां अकलमंद बनी थी, उनको पता था ये लोग बाकी दिनों में शिकार करते हैं, तो लिहाजा अकलमंद मछलियां पानी के नीचे ले जाती थी, हफ्ते को इन मछलियों को पता था ये लोग शिकार नहीं कर सकते इसलिए वो बाहर आके उछलती कूदती रहती थी, अल्लाह ने आजमाइश ये डाली थी। यानी दिस इज हाउ स्टूपिड दिस अल्लाह इज, क्वाइट फ्रेंकली।
और ये उस चीज को डिफेंड कर रहा है। ये कुछ लोग ऐसे हैं सर जो कभी भी अपंगता और स्टुपिडिटी को नहीं छोड़ सकते, ये उनमें से एक है लिटरली स्पीकिंग। नाउ दिस इज हिज स्टुपिडिटी, ये अल्लाह ने आजमाइश ये डाली है कि वो मछलियों के साथ गेम डाल रहा था इन लोगों के साथ, ये अल्लाह ने आजमाइश ये डाली है कि मछलियों को बाकी दिनों में गायब कर देता था और हफ्ते वाले दिन मछलियों को ऊपर लाके उछलता कूदा करवा देता था। वो लोग मछली नहीं पकड़ सकते थे, ये रियलिटी। नहीं ये कहा जी उमर के हफ्ते के दिन तो शिकार नहीं हुआ, उन लोगों ने हफ्ते के दिन पकड़ा, इतवार के दिन शिकार हुआ। और तीसरा मुद्दा आपके नगरों में ये समझ के आ गया कि अब मछलियों को अकल है, वो हफ्ते को आ रही है, हफ्ते को अल्लाह उनको बुला रहा है और फिर वो पूरा हफ्ता उनको मंडा रहा है। और ये आजमेश्वरी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन सा मुद्दा चाहेंगे, आप इंसान बंदर बन गया ये मुद्दा चाहेंगे, या आपको अभी कुछ देर पहले ये समझ में नहीं आ रहा था कि हफ्ते के दिन तो शिकार नहीं हुआ, अब आप ये ला रहे हैं कि मछलियों को अकल कहाँ से आ गई। तीन बातें होगी, कौन सी बात कर रहे हो आप? दो आपको मछलियों को तो एक तो अकल नहीं आई नंबर वन, वो क्यों नहीं आई कि अगर आप बाकी पढ़े तफसील। अरे अभी आपने कहा ना यार, अभी आपने कहा ना ये मछलियों का गेम आपने डाला ना। उमर उमर चुप, देखो आपको पूरी नहीं ना तफसीर पढ़ी हुई, मैंने पढ़ी हुई, आपने नहीं पढ़ी हुई, अकल नहीं आपको भाई। जिंदगी मेरी तफसीर के अंदर ही गुजरी है भाई, तफसीर के जो अल्फाज तुमने पढ़े हो खोती माँ के बच्चे ना, दफा हो जाए यहाँ से, अभी तुझे तफसीर के अंब का नहीं बताया था, गेट लॉस्ट, आई विल नॉट टॉक टू यू एनीमोर, सारी उम्र तफसीर में गुजरी है तेरी। ये देखो बाज लोगों ने खड्डा खोद दिया था, इसी तरह वो सब भी मछलियों का शिकार करने लगे। बाज लोगों ने तो दरिया के आसपास खड्डे खोद दिए थे, हफ्ते वाले दिन मछलियां इसमें आती हैं तो इसे बंद कर देते, इतवार वाले दिन पकड़ लेते। कुछ लोगों ने इनमें नेक और सच्चे मुसलमान भी थे बाय द वे। नाउ इमेजिन उन लोगों को मुख्तलिफ हीले करने पड़े अपनी खुराक पूरी करने के लिए, सिर्फ एक हीला नहीं था, सिर्फ जाल फेंकने वाला हीला नहीं था, मैंने सिर्फ अभी जाल फेंकने वाला हीला बताया था, खड्डा खोदने वाला हीला बताया ही नहीं था। खड्डा खोद देते थे दरिया के साइड पे और मछलियों को वहां पे ले आते थे और फिर उसके बाद उसको बंद कर देते थे ताकि मछली वहां से बाहर ना जा सके। क्यों? क्योंकि सैटरडे के अलावा बाकी तमाम दिनों में मछली गायब हो जाती थी अल्लाह के हुक्म से। यही अल्लाह की आजमाइश थी कि शिकार नहीं करने देना इनको, लेकिन सैटरडे को दिखाना है। हाउ स्ट्यूपिड दिस आजमाइश वाज, बट इस बंदे का सारा टाइम, इतने झूठे लोग हैं, इतने बेगैरत लोग हैं कि माँ बाप की कसम खा के झूठ बोलेंगे यार, इतने झूठे और बेगैरत लोग हैं यार ये लोग, कि बाज दफा मेरा दिल करता है कि मैं बताऊंगा नहीं क्या दिल करता है, सल भाई ने मना किया हुआ, लेकिन ठीक है, इनके साथ मजीद बात करने की जरूरत ही नहीं है, अगले बंदे को लेते हैं क्योंकि ये तो जाहिल साबित है।